दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल दीपक दहिया 2.0 में। दोस्तों दो साल हो गए YouTube के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली, बहुत मीठी मीठी बातें कर ली, लेकिन अब वक्त आ चुका है कुछ कड़वी बातें करने का। कुछ कड़वी सच्चाई है जो कि मुझे लगता है कि आप सभी को पता होनी चाहिए YouTube पर आने से पहले, और अगर आप YouTube पर हो ऑलरेडी तो भी आप सभी को ये पता होनी चाहिए। द डार्क ट्रूथ अबाउट मनी ऑन यूट्यूब, पैसों को लेकर के कड़वी सच्चाई। कुछ लोग होते हैं जो कि यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए आते हैं, बाकी चीजों में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और वो ये सोच करके आते हैं कि यूट्यूब पर अंधा पैसा, यूट्यूब पैसों का पेड़ है, अतः सागर है पैसों का यूट्यूब। लेकिन ऐसा नहीं है, यूट्यूब पर पैसा है लेकिन इतना नहीं है जितना आप सभी को लगता है। यूट्यूब एडसेंस की जो अर्निंग है बहुत कम है। अगर आप YouTube से बहुत कमाना चाहते हैं तो आपको बाकी जो है जैसे कि स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग या फिर खुद का ही प्रोडक्ट लॉन्च करके ऐसे आपको कमाने पड़ेंगे। YouTube की अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं है, और बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा व्यूज़ लाने होंगे, यानी कि अगर आप बड़े यूट्यूबर हो तो ही आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। अदरवाइज आप अगर मीडियो के लेवल पर हो तो आप इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते। और एक और कड़वी सच्चाई जो कि आप में से ज़्यादा लोगों को पहले से पता होगी कि YouTube हमारी अर्निंग का 45% खुद रख लेता है। एक्चुअली ये अर्निंग सिस्टम काम कैसे करता है, कंपनी जो होती है वो YouTube को कहती है कि भाई YouTube जितने भी क्रिएटर वीडियोस बना रहे हैं उनके वीडियो में स्टार्टिंग में ऐड लगा देना, ये हम तेरे को पैसे देते हैं। YouTube ने पैसे ले लिए, अब क्या करता है YouTube, उसमें से 45% खुद रख लेता है और 55% हमको दे देता है। यानी कि मान लो कंपनी ने YouTube को दिए 1 करोड़ रुपये, तो 45 लाख तो YouTube खुद रख लेता है और 55 लाख हमें दे देता है। 45 लाख, 45%, ये कुछ ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है। हाँ माना कि YouTube एक प्लेटफॉर्म है, कमीशन ले रहा है, बनता कमीशन, लेकिन 45% बहुत ज़्यादा नहीं हो गया? तो अगर आप सिर्फ पैसों के लिए आ रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर आना, इतनी अर्निंग नहीं है जितना आप सभी सोचते हैं। अब हम बात करते हैं डार्क ट्रूथ अबाउट फेम ऑन YouTube, फेम को लेकर के डार्क ट्रूथ, कड़वी सच्चाई। कुछ लोग होते हैं जो कि सिर्फ पैसों के लिए आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ फेम के लिए आते हैं, फेमस होने के लिए YouTube पर आते हैं। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि फेमस होना टेम्पररी है। हम सालों मेहनत करते हैं, बहुत सोचते हैं कि यार फेमस हो गए तो मज़ा जाएगा, लोग हमारे साथ सेल्फी लेंगे, हमें सब जानेंगे, क्या फीलिंग होगी। मैं आपको बता दूं, आप फेमस होने के बाद में, फेम मिलने के बाद में मुश्किल से 10 दिन तक वो फीलिंग रहती है, उसके बाद में सब नॉर्मल, उसके बाद अंदर से फिर से वो खालीपन आ जाता है। लगता है कि यार हमने जिसके लिए इतना कुछ किया उसमें तो खुशी है ही नहीं। खुशी नहीं है इसमें, बिल्कुल खुशी नहीं है। और कई बार ज़्यादा फेमस होना भी नुकसानदायक हो सकता है। सौरव जोशी ने अपने वीडियो में खुद कहा है कि इस फेमस होने वाली लाइफ से वो परेशान हो चुके हैं और वो यूट्यूब को छोड़ेंगे। कब छोड़ेंगे पता नहीं, 4 साल बाद छोड़ेंगे, 5 साल बाद, लेकिन कभी ना कभी तो वो छोड़ देंगे, उनको नॉर्मल लाइफ ही पसंद है। और फेमस होने के बाद में एक और चीज़ का डर हमारे अंदर हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाता है कि ये जो फेम मिला है ये रहेगा या नहीं रहेगा, कब चला जाएगा पता नहीं, इसका डर हमेशा आपके अंदर बना रहेगा। और अगर आपको आपके आसपास के लोग जानने लगे, सभी एक अलग नज़र से देखने लग गए, तो भी आपके अंदर इनसिक्योरिटी रहेगी। आप घर से निकलने से पहले 10 बार सोचोगे कि यार मैं घर से निकलूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ऐसे उठ करके नहीं जा सकता, बहुत तकलीफ है भाई। तो ज़िंदगी में कभी भी फेमस होने का गोल मत रखना, फेम एक बहुत ही गंदा डिज़ायर जो कि इंसान को फंसा देता है। अब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। लोगों को लगता है यूट्यूबर्स की लाइफ बहुत कमाल की है, काम भी बहुत अच्छा है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, पैसा अच्छा मिलता है, नेम फेम ये वो ढें, क्या लाइफ होती होगी। 47% क्रिएटर मेंटल हेल्थ इश्यू से जूझ रहे हैं। जी हाँ, 47, लगभग आधे क्रिएटर। हम बाकियों को तो छोड़ देते हैं, बाकियों की तो बात भी नहीं करते, हम बात करते हैं कैरी मिनाटी और आशीष चंचलानी की। कैरी मिनाटी ने खुद कहा है ये बहुत ज़्यादा टेंशन देता है, कभी कभी बहुत स्ट्रेस होता है। उन्होंने क्या कहा है आप खुद सुनिए। कभी कभी ना सही में बहुत ज़्यादा फट जाती है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कभी बार सही में बहुत ज़्यादा फट जाती है। बहुत बार ऐसा मन करता है कि यार बस बंद करो, ये अपना आराम से जियो, ये सब क्या है इन चीज़ों में रखा, ये बहुत डरावनी है यार ये चीज़ें। एक तुम्हारे दिमाग भी ना स्टैंडर्ड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम गेटिंग 1 मिलियन व्यूज़ ऑन एवरी वीडियो और एक वीडियो पर नहीं आते तो ऑब्वियसली इंसान डिसअपॉइंट होगा, दैट्स वेरी नेचुरल, राइट। और बात करें प्रेशर के सेकेंड पार्ट की, वो है ऑडियंस। ऑडियंस जो प्रेशर कभी कभार देती है, बिकॉज मैं डिप्रेस भी हुआ हूँ, एंक्शियस भी हुआ हूँ, सारे काम हुए हैं। कैरी मिनाटी की हर एक बात से, हर एक वर्ड से मैं रिलेट कर सकता हूँ, और हर वो क्रिएटर रिलेट कर सकता है जिसने ग्रो किया है। इसके बाद में हम बात करते हैं आशीष चंचलानी के बारे में। एक बार वो यूट्यूब से 8 से 9 महीने के लिए उन्होंने ब्रेक ले लिया था, वो यूट्यूब से लगभग गायब हो गए थे 8 से 9 महीने के लिए, क्योंकि वो मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहे थे। तो अगर आपको लगता है कि मस्त लाइफ है तो इतने बड़े बड़े यूट्यूबर तक मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं, तो जो छोटे यूट्यूबर्स हैं, जो बिगनर लेवल पर है, उनकी क्या हालत होती होगी आप खुद सोच लो। इसके बाद में हम बात करते हैं डार्क ट्रूथ ऑफ फ्यूचर ऑफ यूट्यूब, यूट्यूब के फ्यूचर के बारे में। AI आ चुका है,
आपने इंस्टाग्राम पर एंड यूट्यूब पर कई सारे एआई के वीडियो देखे होंगे। अब यहाँ पर कई सारे स्क्रिप्ट राइटर का धंधा खत्म, वॉइस ओवर वालों का भी खत्म, वीडियो एडिटर्स का, शायद थंबनेल बनाने वालों का भी आने वाले टाइम में खत्म हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, और शायद यूट्यूबर्स का भी, कई यूट्यूबर्स का भी धंधा खत्म हो सकता है। जहां तक मुझे लगता है कि आधे लोग जो है वो सर्वाइव कर जाएंगे, बाकी आधे लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर आप लोग सर्वाइव करना चाहते हो तो मैं आपको टिप दूंगा कि खुद को टाइम के साथ में ढाल लो, खुद को मीडियोकर मत रखो, एवरेज मत रखो, एवरेज से थोड़ा ऊपर रखो, बल्कि बेस्ट रखो। मीडियोकर लेवल वाले बहुत कम चांस है उनके कि वो टिक पाएंगे। खुद को ऊपर रखो, थोड़ा टाइम के साथ में ढाल लो, ऐसा बनाओ खुद को। अब हम बात करते हैं फियर ऑफ ब्रेक की। जी हाँ, ब्रेक लेने का डर होता है, हर क्रिएटर के अंदर होता है कि मन में आता है कि यार 2 साल से वीडियो बना रहे हैं, 3 साल से बना रहे हैं, इतने साल हो गए, इतना टाइम हो गया, तो यार ना 1 महीने का गैप दे करके कहीं घूमने जाते हैं, कुछ ब्रेक लेते हैं, सिर्फ शांति वाला जीवन जीते हैं, ये सोचते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। डर होता है अंदर कि अगर 1 महीने तक यूट्यूब पर वीडियो नहीं डाला तो क्या फिर से हम उसी तरीके से वीडियो बना पाएंगे, क्या हमारे चैनल पर फिर से उसी तरीके से व्यूज़ आ पाएंगे, ये डर सबके अंदर होता है। क्योंकि अगर सबको पता है कि अगर कंसिस्टेंसी बिगड़ी तो शायद पूरा मामला बिगड़ सकता है। कुछ लोग आलस की वजह से कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते और उनके चैनल पर व्यूज नहीं आते, उनकी रीच बहुत ही कम होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि थोड़ी सी सक्सेस मिली, अलग अलग चीजों में भटक जाते हैं, ढेर सारी चीजों में लग जाते हैं और वो भी कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाते, और कई सारे लोगों की जिंदगी उन्हें दबा देती है। शायद उनका ब्रेकअप हो जाए या फिर उनका फैमिली में कुछ इश्यू हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, वो डिप्रेशन में चले जाए, कुछ भी हो जाए, वो वहाँ पर भी फिर उन्हें गैप देनी ही पड़ती है, और जब गैप देते हैं तो YouTube वीडियो की रीच कम होती ही होती है। अब हम बात करते हैं उस चीज़ की जिससे मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये डाउन एरोस। जैसे ही हम YouTube स्टूडियो ओपन करते हैं, जब जब ये डाउन एरो में दिखते हैं हमें एंजाइटी होती है। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। होती हर क्रिएटर को, 90% से ज़्यादा क्रिएटर को एंजाइटी होती है जब वो इन डाउन एरोस को देखते हैं। एक बार देखते हैं, दो बार देखते हैं, और जब लगातार 10 से 15 दिन तक हम यही देखते हैं ना कि यार चैनल बहुत डाउन जा रहा है और ये डाउन वाले एरोस शो हो रहे हैं, हमारा YouTube स्टूडियो ओपन करने का मन तक नहीं करता है। हर चीज़ अप डाउन होती रहती है, वो स्टॉक मार्केट हो, लाइफ हो, कोई किसी का कोई भी काम धंधा हो, बल्कि जितना बड़ा काम होगा उतने ज़्यादा अप एंड डाउन आते रहेंगे। तो YouTube में भी आते हैं, हर किसी के चैनल पर आते रहते हैं, वो कितना बड़ा क्रिएटर हो, कितना छोटा क्रिएटर हो, तो उस चीज़ को दिखाते क्यों हैं? अगर वो एरो वहाँ से हट जाए ना, वो डाउन वाले और अप वाले, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारा चैनल पिछले महीने के मुकाबले अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, हमें पता भी नहीं चलेगा, और हम खुश रहेंगे, भले कम व्यूज आएंगे पर खुश रहेंगे, लेकिन वो हमें चिंता में डालते हैं, वो डाउन एरो सबको एंजाइटी देते हैं। इसके बाद में इसी से थोड़ा रिलेटेड है, और वो अपडेट जब से आया था ना, सबसे घटिया अपडेट लगा मुझे यूट्यूब का, सबसे घटिया। यूट्यूब भाई हाथ जोड़ के निवेदन, इसको हटा दो प्लीज, मैंने सुना भी था हटाने वाले हैं पर अभी तक नहीं हटाया, हटा दो प्लीज। और वो है ये रैंकिंग सिस्टम। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं, आधे घंटे बाद यूट्यूब हमें ये बता देता है कि हमारा वीडियो कौन से नंबर पर रैंक कर रहा है। जब ऊपर रैंक करता है फर्स्ट सेकंड थर्ड पर, तब तो हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन जैसे ही वो वीडियो 10वें पे 9वें पे 8वें पे 7वें पे रैंक करता है, एंजाइटी होती है, अजीब सी चिंता होती है। मान लो आपने सुबह वीडियो अपलोड किया और आधे घंटे बाद आपने देखा कि आपका वीडियो 10वें नंबर पर या फिर 9वें नंबर पर रैंक कर रहा है, खत्म आपका पूरा दिन बर्बाद, पूरा मूड बर्बाद, ना नए नए आइडियाज आएंगे, ना मन करेगा काम करने का, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। कितना गंदा अपडेट है। दोस्तों एक लाइन है कि जरूरी नहीं कि जिस चीज़ में आप अच्छे हो उसमें आपका इंटरेस्ट भी हो। एग्जांपल के लिए मैं वॉइस ओवर में बहुत ही अच्छा हूँ, मेरा वॉइस ओवर, मेरी वॉइस लोगों को बहुत ही अच्छी लगती है, वो सुनना पसंद करते हैं, मोटिवेट होते हैं, बहुत वीडियोज हैं जिन पर मिलियन में व्यूज़ है, लेकिन पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे वॉइस ओवर करना अच्छा नहीं लगता। यस, मुझे वॉइस ओवर करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ मुझे राइटिंग अच्छी लगती है, स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत अच्छी लगती है, रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता है, थंबनेल बनाना, वीडियो एडिट करना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वॉइस ओवर करना मुझे अच्छा नहीं लगता। और आप में से भी कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको वॉइस ओवर अच्छा नहीं लगता होगा, कई सारे ऐसे होंगे जिनको कैमरा के सामने बोलना अच्छा नहीं लगता, मजे ही नहीं आते, एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत बार एक ही चीज़ को बोलना पड़ता है तो मन ही नहीं करता वीडियो बनाने का। ऐसा आप में से कई लोग साथ में होता होगा, कई लोगों को थंबनेल बनाने में मज़ा नहीं आता, थंबनेल में बहुत ज़्यादा माइंड बचाना पड़ता है तो वो अच्छा लगता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। आपको कई लोगों को वीडियो एडिटिंग अच्छी नहीं लगती होगी, लेकिन ये सभी चीज़ आपके लिए करना ज़रूरी है, चाहे आपका इंटरेस्ट हो या ना हो। लेकिन दुनिया को क्या लगता है कि यार कितना मज़ेदार काम है, कितना अच्छा काम है, कितना ईश्वर आराम का काम है, इतना अच्छा काम है और इतना पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। कड़वी सच्चाई सिर्फ हमें पता होती है, और ना सिर्फ वॉइस ओवर बल्कि कई सारी ऐसी चीज़ें जो कि मुझे पसंद नहीं है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आने के बाद में। एग्जाम्पल के लिए, जब मैं यूट्यूब पर नहीं आया था तब मेरा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब में था, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बाकी ज़्यादा प्लेटफॉर्म है उनमें मेरा इंटरेस्ट ना तो पहले था और ना ही मेरा अभी है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे उन प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ता है, ज़बरदस्ती जाना पड़ता है एक्टिव रहने के लिए। अब वहाँ एक्टिव होने के लिए गए तो इंस्टाग्राम ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वहाँ एक्टिव होने के लिए क्या गए, वो तो अपने आप को एडिटिव बना देता है, वो तो खींच लेता है किसी भी इंसान को, पूरी तरीके से एडिट बना देता है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद इंस्टाग्राम। एक और कड़वी सच्चाई, लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के यूट्यूब पर आ जाते हैं ये सोचकर कि मेरा पूरा फोकस यूट्यूब पर रहेगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, कोई गारंटी नहीं है, आप हो भी सकते हो नहीं भी हो सकते हो, और ज़्यादातर चांस है कि आप
नहीं होंगे आज की डेट में। अगर आपके अंदर बहुत बहुत तगड़ी स्किल है तो चांसेस है, अगर नहीं है तो भी चांसेस तो है लेकिन थोड़े से कम है। और कई सारे लोगों का क्या होता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में होते हैं, उसमें उनकी जॉब चली जाती है, उनका बिजनेस ख़त्म हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वो क्या सोचते हैं कि ये सब खत्म हो गया, अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और कोई रास्ता ही नहीं है, वो है यूट्यूब का। वो बाकी और किस चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं है कि मेरे पास अब एक ही रास्ता है, वो है यूट्यूब का। वो यूट्यूब पर लगते हैं और उसमें भी उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता और कई बार सालों बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। और लास्ट कड़वी सच्चाई और सबसे बुरी, आप सभी लोगों की नेगेटिव कमेंट्स। सौरभ जोशी पर मैंने वीडियो बनाया, उनको जो हेट मिली, इतनी ज़्यादा हेट मिली, पॉजिटिविटी को फैलाने के लिए मैंने वीडियो बनाया। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उस वीडियो की वजह से लोग सौरभ जोशी को तो हेट करते ही थे, इसके साथ साथ लोग मुझे भी हेट करने लग गए उस वीडियो की वजह से। मैंने सौरभ जोशी के सपोर्ट में वीडियो बनाया तो लोग मुझे भी हेट करने लग गए। और मैं आपको बता दूं कि हर क्रिएटर कठोर पत्थर दिल का नहीं होता है, अधिकतर जो होते हैं वो एक नरम दिल के होते हैं, सेंसिटिव होते हैं कई सारे। 100 में से एक कमेंट भी अगर उन्हें नेगेटिव दिखती है तो फोकस उसी पर जाता है, वो कमेंट कई बार दिल पर लगती है, उसे पढ़ लेते हैं, मूड खराब हो जाता है, अजीब अजीब से थॉट्स माइंड में आते हैं कि यार मैं इस लायक हूँ या नहीं हूँ, ये जिसने बोल दिया तो क्या सच में मैं ऐसा हूँ क्या। 100 लोग बोलेंगे हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, उसमें से एक लोग बोल, एक इंसान कुछ अलग बोल देगा ना, हमारी नज़र उसी पर जाएगी। और कई बार वो एक कमेंट काफ़ी होती है हमारा दिन खराब करने के लिए, हमारा वीक खराब करने के लिए, हमारा वीडियो खराब करने के लिए और शायद हमारा पूरा करियर खराब करने के लिए, सिर्फ एक काफ़ी होती है अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली उस एक चीज़ को ले लेता है और वही चीज़ माइंड में बैठ जाती है तो। और एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि गलत कमेंट वही करेगा जो आपसे नीचे होगा, आप पर कभी भी कोई ऐसा इंसान गलत कमेंट नहीं करेगा जो आपसे भी एक ऊंचे लेवल पर है, बड़े लेवल पर है। एग्जाम्पल के लिए सौरभ जोशी पर वही लोग हेट फैलाते हैं जो सौरभ जोशी से नीचे हैं। कोई ऐसा यूट्यूबर है जो सौरभ जोशी से ऊपर है और वो सौरभ जोशी पर हेट फैला रहा है? जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो सभी सौरभ जोशी के फ्रेंड्स हैं, उसके साथ में अच्छे से रहते हैं, कभी उस पर गलत कमेंट नहीं की, कभी नहीं की। तो आप पर वही गलत कमेंट करेंगे जो आपसे नीचे। मेरे चैनल पर भी बहुत गलत कमेंट आई है कई बार, लोग मेरे बारे में भी कई बार कुछ भी बोलते रहते हैं, वही बोलते हैं जो मुझसे नीचे हैं। एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो मुझसे ऊपर था उसने मेरे ऊपर कुछ गलत कमेंट किया हो, कभी नहीं। जो लोग एक लेवल पर होते हैं ना उनको पता है कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इससे जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है और उन्हें पता होता है कि एक्चुअली में बंदा है तो गलतियां सबसे होती है, इससे आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं जो ऊपर एक लेवल पर लोग होते हैं, तो वो पॉजिटिव कमेंट्स ही करते हैं। हमेशा याद रखना ये बात कि आप पर वही गलत कमेंट करेंगे जो आपसे नीचे होंगे, आपसे ऊपर वाले कभी भी आप पर गलत कमेंट नहीं करेंगे। और हमें ये बिल्कुल भी नहीं मानना है कि यूट्यूब में बहुत बहुत पैसा है, ये बिल्कुल भी नहीं मानना है, ठीक है। और यूट्यूबर्स की लाइफ बहुत बहुत अच्छी होती है, कोई टेंशन नहीं होती, ऐसा भी नहीं मानना है। जो नंबर वन यूट्यूबर है उसने खुद आकर के कहा कि भाई बहुत टेंशन होती है तो सबकी लाइफ में होती है, आप ये सोच करके मत आना, ठीक है। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।